दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। आज हमारे पास है दोस्तों एयर ब्लोअर और इसको आज इस वीडियो में आज कंप्लीट हम चेक करेंगे। बंद एयर ब्लोअर है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी इसमें एक्शन नहीं है और कार्बन बुश इसके बिल्कुल ठीक है। कस्टमर इतना तो कर ही सकता है, कार्बन बुश खुद ही चेक कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम कंप्लीट इसको चेक करेंगे और क्या प्रॉब्लम है, उसे किस टाइप से ठीक करना है और कहाँ से खोलना है, सबसे पहले किस टाइप से चेक करना है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये इसका जो ब्रांड है लोकल है दोस्तों, बाकी लगभग मीडियम क्वालिटी का ही है। बाकी मुझे लग रहा है बॉडी वाइज मीडियम क्वालिटी लग रहा है, ठीक है। बाकी इसमें देख पा रहे हैं जो सीरीज के अंदर हम इसको लगाकर चेक करें, कोई भी इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, बिल्कुल भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों मशीन को हमें इसके बाद में पूरा खोल कर ही चेक करना होगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि कोई जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो इसका एयर का जो पाइप है इसको यहाँ पे हम हटा देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कार्बन बुश है, सबसे पहले कार्बन बुश चेक करेंगे। कार्बन बुश इसका बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, तो कार्बन बुश का जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो इसका जो दूसरा कार्बन बुश है वो भी इसका बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बाद में कार्बन बुश इसके ठीक है, इसके बाद में इसका जो ब्लोअर का जो फैन है यहाँ पे इसको खोलना होगा। इसके लिए यहाँ पे देखिए चार पेच इसके कवर में लगे हुए, उसको खोल दिया है हमने। इसके बाद में दोस्तों इसका जो फैन है इसे खोलना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए फैन को निकालने के लिए दो पेच कस की मदद से इस टाइप से आप काफी आसानी से निकल पाएंगे। कितना भी चाहे टाइट हो आपको दिक्कत नहीं आएगी, काफी आसानी से जो ब्लोअर है निकल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे चार पेच निकलेंगे, इन पेचों को भी आपको खोल लेना है। तो चारों पेचों को खोलने के बाद में जो फील्ड और आर्मेचर है वो हमारे सामने आ जाएंगे, तो उसके बाद में उनको हम पूरा चेक करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप की नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं फील्ड और आर्मेचर बैरिंग बिल्कुल ठीक है और जाम वगैरह की कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। तो ये देखिए आर्मेचर को हमने बाहर निकाल दिया है, आर्मेचर के बैरिंग चेक कर लेते हैं एक बार और फिजिकली इस पर थोड़ी नज़र मारेंगे तो कम्यूटेटर इसका बिल्कुल ठीक लग रहा है, शॉर्टिंग इसमें कहीं से नहीं है, आर्मेचर इसका ठीक है। हल्की सी रगड़ आई हुई है आगे की तरफ, उसको हम सेट कर देंगे। तो चलिए आर्मेचर को रखते हैं साइड में। और इसके बाद में दोस्तों ये देखिए फील्ड कोयल के ऊपर थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं, फील्ड कोयल इसका थोड़ा हीट हो रखा है। तो फील्ड को निकालने के लिए और चेक करने के लिए सबसे पहले जो इसका स्विच हैंडल है, जो यहाँ पे हैंडल को खोलना होगा। यहाँ पे हैंडल में पांच पेच दिए हुए हैं, पांचों पेचों को खोलकर हैंडल को खोल लेंगे हम। तो यहाँ पे दोस्तों हैंडल खोलने के बाद में सबसे पहले स्विच को हम चेक करेंगे। तो स्विच चेक करने के लिए यहाँ पे स्विच को हमें ऑन करना होगा और ये देखिए सीरीज के अंदर हमने जो हमारा टेस्टिंग लीड है उसको यहाँ पे लगा दिया है। तो ये देखिए जो सीरीज का बल्ब है ग्लो कर रहा है और इसके बाद में हम एक बार जो स्विच है स्विच को एक बार ऑन कर देंगे, यहाँ पे होल्ड कर देंगे स्विच को ऑन करके। ये यहाँ से ये देखिए हमने स्विच को ऑन कर दिया। इसके बाद में स्विच की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बिल्कुल ऑन होना चाहिए इस पोजीशन में। तो यहाँ पे सप्लाई इसकी आ रही है रेड वायर से और स्विच भी बिल्कुल इसका ठीक है। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे टेप लगी हुई है जो कि फील्ड का न्यूट्रल वाला वायर है, तो इसके ऊपर यहाँ पे रेड वायर जुड़ा हुआ है। ये भी यहाँ पे जो मेन लीड है हमारी, मेन लीड बिल्कुल ओके है। तो ग्रीन वायर हमारा स्विच पे लगा हुआ है, रेड वायर यहाँ पे फील्ड के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों फील्ड के ऊपर से एक फील्ड इसकी कंटिन्यूटी ठीक आ रही है और ये स्विच से जो वायर जा रहा है फील्ड के अंदर रेड कलर का, इसको भी यहाँ पे चेक करेंगे स्प्रिंग के ऊपर। तो दोस्तों ये वाला वायर इसका कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा है, देख पा रहे हैं। तो ये वाले वायर इसमें फील्ड में प्रॉब्लम है, तो खोल कर चेक करेंगे, फील्ड को निकालेंगे बाहर, उसके बाद ही पता लगेगा फील्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए दोनों पेज खोल देंगे, उसके बाद में फील्ड को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों पेज खोलने के बाद में जो अंदर स्प्रिंग लगी हुई है इनको हमें यहाँ पे निकालना होगा। सबसे पहले स्प्रिंग इसकी बिल्कुल ठीक है, तो स्प्रिंग का भी इश्यू नहीं है, कई बार स्प्रिंग जल जाती है तो वो भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों फील्ड काफ़ी हल्की है और क्वालिटी काफ़ी लो है, यहाँ पे देख पा रहे हैं फील्ड, यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा बहुत ज़्यादा हीट हो रखा है, यहाँ से जली हुई है बिल्कुल, ये फील्ड पूरी डैमेज है। तो दोस्तों कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए ये इसकी राइट साइड वाला जो ये वाली फील्ड है जो ओके बोल रही है, बाकी हीट खाई हुई है, और ये वाली हीट नहीं खाई है, बाकी फिर भी ये देखिए ये वाली फील्ड इसकी ये डेड है बिल्कुल, जिस पे ग्रीन टेप आपको दिखाई दे रही है। तो फील्ड को एक बार चेक कर लेते हैं, लगभग एल्युमिनियम ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए एल्युमिनियम ही है,
मैंने आपको स्क्रैच करके दिखा दिया इसका कॉइल, तो एल्युमिनियम ही है इसका, काफ़ी हल्की क्वालिटी का जो एयर ब्लोअर है। आर्मेचर इसका ठीक है, कॉपर में है, बाकी जो फील्ड है इसका हमें चेंज करना होगा। तो दोस्तों फील्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं, फील्ड है जो हमारे पास एक रिवाइंडिंग करा हुआ फील्ड रखा है, जो कि हमने मैंने खुद ने ही इसको रिवाइंड किया है, देख पा रहे हैं कॉपर में रिवाइंड किया है मैंने इसको, और यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल केबल टाई का पूरा यूज किया है इसमें, तो काफ़ी अच्छी मतलब तरीके से इसको वाइंड किया है आप देख पा रहे हैं। यदि अच्छा लगा तो आप इसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, फील्ड की जो रिवाइंडिंग है आपको कैसी लगा है। इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है, बाकी कभी नेक्स्ट टाइम मैं फील्ड रिवाइंड का वीडियो भी आपको बना कर दूंगा। तो दोस्तों फील्ड हमने कॉपर में तैयार किया है जो कि अच्छा चलने वाला है बिल्कुल, फील्ड को यहाँ पर लगा दिया है हमने और दोनों स्प्रिंग भी इसके लगा दिए हैं, फील्ड हमने इसमें सेट कर दिया बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी दिनों से रखा था ये फील्ड, आज इसमें काम आ गया है। तो फील्ड के जो दोनों पेच हैं उन दोनों पेचों को यहाँ पे पूरा टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों फील्ड में हमने एक्स्ट्रा कोई लीड नहीं जोड़ी है, डायरेक्ट जो इसके वाइंडिंग वायर है उनको ही हमने लंबा करके एक नंबर सिलू लगाकर कनेक्शन इसके निकाले हैं। तो दोस्तों ये देखिए टेप करके हमने न्यूट्रल वाला कनेक्शन इसका कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो फेज वाला है स्विच के ऊपर हमने फील्ड के दोनों वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं न्यूट्रल फेज, और ये देखिए स्विच बॉक्स को यहाँ पे हम हैंडल को बंद कर देंगे। तो दोस्तों हैंडल आपको हमेशा पहले ही बंद करना होगा, क्योंकि ये जो पेच हैं बाद में खुल नहीं पाएंगे, जो इसका जो हेड लगा देंगे हम एयर का उसके बाद में दिक्कत आएगी, तो इनको पूरा पहले ही कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यदि स्विच भी कोई चेक करना है या फिर चेंज करना है तो आपको इतना ब्लोअर हमेशा खोलना होगा। तो ये देखिए जो इसके बैरिंग बिल्कुल ओके हैं, तो चलिए सीट भी ठीक है, लूज नहीं है, तो हम यहाँ पे बाकी फिजिकली ठीक लग रहा है आर्मेचर, और हम इसको पूरा फिट करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों ये देखिए फील्ड के वायर को नीचे दबाकर रखेगी, ग्रिप है जो आप देख पा रहे हैं इसको, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठोक कर पूरा सेट कर लेंगे, बिल्कुल फ्री है, घुमाकर चेक कर लेना है, बिल्कुल भी अटकना नहीं चाहिए आर्मेचर, बिल्कुल आपका टचिंग नहीं आना चाहिए। तो चारों पेचों को बिल्कुल वन बाय वन आमने सामने टाइट करना है, कभी भी एक पेच को टाइट नहीं करना, जो कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, वन बाय वन बिल्कुल क्रॉस में आपको बोल्ट टाइट करने हैं, जिससे जो आपकी मोटर आर्मेचर कुछ भी हो बिल्कुल फ्री रहेगा। तो इसके बाद में दोस्त फैन है, फैन को यहाँ पे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइट है, तो इसको ठोकने के लिए किसी बुश का यूज़ करना है इस टाइप से, और इसको पूरा ठोक देना है नीचे की तरफ। स्प्रिंग वाशर ज़रूर लगाना है, ताकि जो नट है इसका वाइब्रेशन या फिर काफ़ी स्पीड से ये चलता है तो ये खुलेगा नहीं, तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें। रिवर्स इसके अंदर चूड़ी दी हुई है, तो ये देखिए फैन हमारा बिल्कुल हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कार्बन बुश इसके ठीक है, तो हम पुराने ही इसके यूज कर रहे हैं, कार्बन बुश दोनों लगा देंगे। तो दोनों कार्बन बुश लगाकर आपको मैं इसे चलाकर भी चेक करूँगा, और इसका स्पार्क वगैरह पूरा चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो कार्बन बुश है उसे भी हम यहाँ पे लगा देंगे। कार्बन बुश इसके बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल नए हैं, क्योंकि कस्टमर इतना तो कर ही सकता है, इसमें नए कार्बन बुश लगाए हैं उसने, बाकी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया उसके बाद हमारे पास इसको लाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों चलाकर चेक करेंगे, उससे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे सीरीज के अंदर ही। तो यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, ये देखिए सीरीज के अंदर भी हल्का हल्का चल रहा है, बाकी कंटिन्यूटी ओके आ रही है, चलाकर चेक करेंगे तो देख पा रहे हैं बिल्कुल काफ़ी स्मूथ चल रहा है, साउंड काफ़ी अच्छा आ रहा है, बैरिंग इसके ठीक है, स्पीड भी ओके आ रही है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पार्क बिल्कुल भी नहीं है पीछे की तरफ भी, कार्बन के ऊपर कम्यूटेटर पे बिल्कुल भी स्पार्क नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका कवर है इसको लगा देंगे, उसके बाद में इसका प्रेशर चेक करेंगे, एयर का जो प्रेशर है किस टाइप का आता है। तो यहाँ पे दोस्तों चार जो पेच हैं इसके चारों पेचों को बिल्कुल टाइट कर लेंगे हम। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए इसका जो पाइप है इसको यहाँ पे लगाकर सेट कर देंगे, पाइप थोड़ा लूज है तो इसको हमें टेप लगाना होगा, तो इसमें थोड़ा टेप का यूज कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये निकले नहीं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल ब्लोअर हमारा तैयार है, चलाकर चेक करेंगे, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों ब्लोअर हमारा बिल्कुल सक्सेस है, देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डस्ट को और ये देखिए कचरे को काफ़ी आसानी से बिल्कुल अच्छे से उड़ा रहा है, प्रेशर एयर का बिल्कुल अच्छा आ रहा है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, और जो हमारी जो फील्ड है वो भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर वर्क कर रही है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों इसके अलावा कोई भी पावर टूल या फिर होम अप्लाइसेंस की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।